कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं या जो वाइफ होती है वो बुढ़ापे का सहारा होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति है इनको देखकर कि कौन इनका जो है इस हालत में सहारा बनेगा। इनका जो आरोप है कि इनके परिवार के लोग ही इनको करंट लगाते हैं। जी हाँ, करंट जो है इन्होंने बताया, अगर हाथों की बात की जाए पूरे शरीर पर इस तरह से निशान जो है जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये यहाँ पर बैठे हुए हैं ट्रामा सेंटर अस्पताल में, बताया जा रहा है कल इनके साथ मारपीट की जाती है। नरू खेड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, आप इनकी हालत देख सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ तो इनका घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, उसके बावजूद जिस हालत में ये मिले हैं वो आप देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बुरे जो है इनके हालात है। इनसे पूछेंगे, बाबूजी कहाँ के रहने वाले? नरू खेड़ी। तो क्या किया आपके साथ? गराली ने, लड़के ने। तो क्या क्या मांग क्या करते हैं वो लोग? बन्यू का तेरा यहाँ कुछ नहीं बाग, वो 50 साल की है, मैं 70 साल का, न्यू का मेरा तेरा कोई मेल नहीं, बंचुन बाग यहाँ से। तो बच्चे भी नहीं रखते, बेटे हैं आपके? बस बच्चा बड़ा तो बार रव है, वो तो आंदा नहीं इसके उसमें, अब क्यों ये उन्हें बढ़ नहीं दन दी, उसने उस लड़के की भी कई बार दरखास्त दे ली। कल इन्होंने क्या किया, घर से निकाला है? घर से मैं तो आराम से दरवाजा ऐसे बंद करके पड़ा था, घर वाली ना अच्छी बूंदी कही मेरे को, मैं नहीं बोलिया, मैं तो अपनी चारपाई पे पड़ा रहा, बस इन्हें तो खोल के क्वार्टर अपना ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए मेरे को। क्या चाहते, क्या आपका जो मकान है वो आपके नाम है? हाँ, मकान मेरे नाम है, जमीन मेरे नाम है, बाहर की 5-6 पशु बंद रहे घर, उसके बावजूद भी आपको नहीं रहने दे रहे। और सारा कुछ अपने आप लेना देना कर रही, मेरे को नहीं 5 पैसे भी, अब ये परेशान करवाया, एक से उधारे पैसे लिया था, मगर मैंने कुछ पैसे तो दे दे, अच्छा न्यू का बाग तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, हम कहाँ से दे। नाम क्या है आपका? करतार सिंह। आसपास के गांव के लोग नहीं आपकी मदद करते? मैं सारे रिश्तेदारों तक भी कह लिया, और जब कोई नहीं, 1 महीना पड़ा रहा उरे अस्पताल में, मेरे तक नहीं बन जाया था, बल्कि वो बन जा भी इन अच्छी बूंदी कह के दबा दिया, लड़का ने बोला कि बहन जो जहाँ आ गया इसके पास है तो तेरे को गोली से लड़ा दूंगा, लड़के ने ये बात कही बन जे को भी। आपकी मदद भी नहीं करने देते किसी को? हाँ, ये आपको कोई करंट लगाते हैं जैसे? हाँ, करंट पीछे करंट भी लगा हुए थी, कभी घंटी बोचे, कभी ठोकर मारा, पड़े पड़े गए। मैं कई चीज ने तरसाना नहीं, मैंने पानी लग भी मांगना, कपड़े मैं नहीं तो अंदर अपना सांझ ने गेर के ना बाल्टी में सर्फ सुरफ और उन कपड़े ने भी अपना उठा के ना मैं तड़के ने चोड़ के गेर दू, पानी किलो पानी नहीं मैं लेकर चल सकता, ठंडे पानी में नहीं ना आ जाना, अब क्यों सारा जाम हो जू, क्यों सारा टूटे फूटे, वो 1-1 किलो पानी गाल कर ऐसे खंच खंच करना जिम में जा करना, उसमें पानी का रहा करूँ 2-2-3-3 बाल्टी। मैं लगता है आपके मतलब आपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा है, साथ दिया, अब बीए कर बड़े लड़के की करवा दी, मैट्रिक लड़की की करवा दी थी, बीए में दाखिला ये ले रहे सारा नशे कर, ना स्कूल में जाना ना कुछ, तो पत्नी आपका साथ क्यों नहीं देती? पत्नी न्यू का मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं, न्यू का मैं 50 साल की तो 70 साल का, मेरा तेरा क्या मेरा। तो अब आप कहाँ जाना चाहते हो, घर जाना चाहते हो आप? नहीं अभी तो अगर अपना आश्रम आश्रम में जाना चाहते हैं तो अपना आश्रम आश्रम में ले जाना चाहते हैं, पहले इलाज करा ले उसके बाद इनको अपना आश्रम में ले जाएंगे। तो ठीक है, आप वहाँ रह लोगे तब तक? हाँ रह लेंगे, नहीं तो मैं तो नहीं कहूँ कि जी मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मेरा है, अत मेरे से तो ये बेदखल होने चाहिए, मेरा मकान में ये बढ़ने नहीं चाहिए, बस जी मेरा कुछ है ही नहीं, मैंने किसी का सहारा नहीं, 5 पैसे तक का भी सहारा नहीं, और फिर मेरे के थे, मेरे तो है ही नहीं, फिर ना बीबी है ना बच्चे हैं, जिंदगी है तब तक इनकी सेवा करें, बाद में तो उनका ही है, इसने कौन सा साथ लेके जाना है, जितनी जिंदगी जिएगा तब तक तो ठीक है, थोड़ा इज्जत से रखें इसको, उसके बाद तो सब उनका ही है।
बगावत एक आधी बार जैसे कुत्ते के आगे बगा दिया करें, सूखी पाकी खाओ खाओ नहीं, मन मानो चार दिन भी नहीं रोटी दी। आप यहाँ रहो, यही खाना खाओ, आपने रहना है तो आश्रम में आपको ले जाएंगे, आप इलाज करा लो तो आश्रम में ले जाएंगे। एक बार आप ठीक हो जाओगे ना इलाज करवा। हाँ, तो अगर आप हालत देखेंगे तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सचमुच जो है कलयुग जरूर कहा जा सकता है। एक जो है पिता है, ना उनके बच्चे उनका सहारा बन रहे हैं, ना उनकी बीवी। नरुखेड़ी गांव के रहने वाले हैं। अगर आप लोग भी ये वीडियो अपने इस गांव से जरूर देख रहे हैं तो इस गांव में भी शेयर जरूर करना, ताकि वहाँ के लोगों तक भी ये जा सके कि आखिर आसपास के लोगों को भी इनकी मदद के लिए आगे जरूर आना चाहिए था, जब इनके साथ बुरी तरह से मारपीट भी की गई है। कई बार जो है इन्हें खाना जो है नहीं मिल पाता, और पानी तक भी ये बता रहे हैं कि मैं नहीं मांगता, मैं खुद से अपने सारे काम कर लेते हूँ, किसी चीज को नहीं, मेरे को हाथ नहीं लगाने, सब चीजों का ताले लगा रखे, मैं ऐसा नहीं कि पानी भी ले लूं, पानी तक भी ताला ला दिए मेरे तक, अब मैं पानी भी पी लूंगा, जबकि मकान या जमीन आपके नाम है। हाँ, सकते हैं हालत जो है बहुत ज्यादा बुरी जरूर है। फिलहाल जो है इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है, उसके बाद अगर ये जाना चाहें तो इन्हें अपना आशियाना आश्रम में भी रखा जाएगा, चाहे ये अपने घर जाना चाहें, क्योंकि आखिर इनकी जिंदगी भर की कमाई जो है उस घर में लगी हुई है। जी हाँ, जिंदगी भर की कमाई उस घर में लगी है। जब एक जो है पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा करता है कि ताकि आगे चलकर बुढ़ापे में जो है वो उनका सहारा बन सके। अब आप देख सकते हैं कि इनको फिलहाल जो है ये कपड़े भी अपना आशियाना की टीम के द्वारा जो है पहनाए गए हैं। हालत देखकर इस बात का अंदाजा जरूर लगाया सकता है कि आजकल जो है वो किस तरह से पैसा लोगों के सर चढ़कर जरूर बोलता है। ना ही कोई बच्चा साथ दे रहा है, ना ही कोई जो है बीवी साथ दे रही है, और आस पड़ोस में अगर ये किसी से मदद मांगते हैं तो जो इनका बेटा है बताया जा रहा है वो उन लोगों को भी धमकाता डराता है। तो आपसे अपील रहेगी इस वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें, और अगर आपके आसपास भी इस तरह से लोग हैं तो एक बार आप कॉल कर जरूर बता सकते हैं, ताकि अपना आशियाना में इन लोगों को बड़े प्यार के साथ रखा जरूर जाता है, और साथ ही साथ इनकी मदद के लिए भी आगे जरूर आए, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपना जो है काम करने में भी असमर्थ होते हैं। जी हाँ, उसके बावजूद इनके साथ बुरी तरह मारपिटाई किस तरह से की गई है, सर में भी जो है आप चोटें जरूर नजर आ जाएंगी। साथ ही साथ जो है फिलहाल इनका इलाज भी चल रहा है, ऑपरेशन भी जो है इनका हुआ है। एक बार मैं पूछ लेती हूँ, ये टांग का ही दोबारा होया? हाँ, दोबारा होया, अभी एक महीना पड़े रहा था, अभी 10 दिन हो गए उठ के गया था, सिर में चोट तो न मारी है, नहीं मारी। देख सकते हैं फिलहाल ये तस्वीरें हैं करनाल से, जी हाँ, जहाँ पर किस तरह से एक बेटा एक बीवी अपने ही पति को बुरी तरह से मारते हैं, जबकि मकान प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो वो इन्हीं के नाम है। और अगर जो है यहाँ पर ये अस्पताल में एडमिट थे तो कोई जो है इनको देखने नहीं आता। अब जो है इन्हें कपड़े जरूर पहना दिए गए, पहले इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी आपने देखे। फिलहाल जब इनका इलाज हो जाएगा उसके बाद जो है अगर ये अपना आशियाना में रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं, और या फिर जो है अगर ये अपने घर जाना चाहे, और स्पेशली अगर नरुखेड़ी गांव से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो मैं उन गांव वालों के लिए भी जरूर कहना चाहूंगी कि अगर ये आपके गांव में रहते हैं तो आपको भी अपने बड़े बुजुर्गों की मदद के लिए आगे जरूर आना चाहिए। अगर किसी पर इतनी बुरी तरह से अत्याचार हो रहा है तो आपको इसके लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।